आज के संसार के लोगों को देखा जाए, जब जब भी उनके सामने ये अवसर आता है, चाहे धर्म का, चाहे तप का, चाहे दान का, चाहे त्याग का, जब जब भी कोई अवसर उनके पास आता है तो उनके सामने एक ही आंसर है, इतनी भी जल्दी क्या है, बाद में कर लेंगे। कोई गुरु भगवान धर्म की प्रेरणा करे तो भी यही बात है, बाद में कर लेंगे। लेकिन हम समझ नहीं पाते कि जीवन का कोई भरोसा नहीं। जिस जिस चीज को विलंब के ऊपर रखा जाए, जिस जिस चीज को बाद के ऊपर रखा जाए, नीतिकारों ने बड़ी गजब की बात लिखी है, कहा कि समझ लेना, जो चीज को आप यह सोचते हो कि बाद में कर लेंगे, समझ लो आप वो चीज करना नहीं चाहते। जीवन में जो होता है आज होता है, अभी होता है, जब जब हम ये सोचते हैं कि बाद में कभी कर लेंगे, फिर कभी कर लेंगे, और करीबन करीबन मैं आपको कहना चाहता हूं, देख लेना आपके जीवन को, 100 चीजें आपने बाद के ऊपर छोड़ी होगी, उसमें से 90 चीजें ऐसे के ऐसे रह गई। 100 चीजें यदि आपने बात के ऊपर छोड़ी होगी कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, और मात्र धर्म के क्षेत्र में नहीं, संसार में भी जब जब आपने ये सोचा कि बाद में कर लेंगे, वो काम हमेशा आधा अधूरा रह जाता है। और इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं, समझ लेना, एक सिद्धांत दिमाग में बिठा देना, जो करना कब करना, कब करना, अभी करना, आज भी नहीं अभी करना। और इसलिए हमारे यहां लिखा गया कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, समय बीत जाएगा फिर करेगा कब, कब करेंगे। हम हर चीज को पीछे के ऊपर छोड़ देते हैं। आज के यंगस्टर्स हो, आज के युवक युवतियां हो, आज के लोग हो, चाहे बुजुर्ग हो जाए, चाहे बूढ़े हो जाए, लेकिन एक ही चीज जब जब धर्म की बात आवे, एक ही आंसर उनके पास है, इतनी भी जल्दी क्या है, बाद में कर लेंगे। शास्त्रकार भगवंतों को पूछा गया कि कोई चीज को बाद के ऊपर क्यों नहीं रख, बाद में कर ले तो क्या नुकसान हो जाना है, बाद में कर ले तो क्या तकलीफ हो जानी है, बाद में कर ले तो क्या परेशानी आ जानी। तब शास्त्रकार भगवंतों ने बड़ी गजब की बात कही, कहा कि तीन चीजें आपको बड़ी लिमिटेड मिली है, समझ लो। लिमिटेड जो शब्द है, लिमिटेड यानी सीमित, मर्यादित, जो भी हम कह ले, लिमिटेड उसका शॉर्ट होता है, आपने देखा होगा, LTD। कोई भी लिमिटेड कंपनी होती है, लिमिटेड जो वर्ड है उसका शॉर्ट होता है LTD, समझ लेना। ये हमें बड़ा संदेश देता है, जब जब भी आपके मन में भाव आए तब ये लिमिटेड शब्द को आंखों के सामने लाना, LTD को आंखों के सामने लाना, क्योंकि शास्त्रकार भगवंत कहते हैं हमें संसार में तीन चीजें बड़ी लिमिटेड में, LTD। ये बड़ा संदेश देता है हमारे जीवन के लिए, हमें चेतना चाहिए, हमें जागना चाहिए, हमें भागना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि जीवन में जो भी चीजें मिली है बड़ी लिमिटेड है, बड़ी मर्यादित है, और यदि हम इसको समझ नहीं पाए वो खत्म हो जाएगी, वो बर्बाद हो जाएगी, वो बेकार हो जाएगी। और एक चीज समझ लेना, जिस जिसका स्वभाव ये है अब नहीं फिर कभी कर लेंगे, वो स्वभाव उसके जीवन को बर्बाद कर दे। जो करना अभी करना, आज भी नहीं। इसीलिए हमारे यहां कहा गया कि अभी करो, तुरंत करो, डू इट नाउ, जो करना अभी करना। तीन चीजें बड़ी लिमिटेड हमें मिली है, LTD। पहला वर्ड कौन सा है, L। L इज इक्वल टू लक, लक यानी पुण्य। तीन चीजें आपके जीवन में आप मार्क कर लेना, आप देख लेना, तीन चीजें बड़ी लिमिटेड मिली, LTD, L इज इक्वल टू लक, पुण्य बड़ा लिमिटेड है। आप क्या समझते हो, आज जो आपके हालात है, आज जो आपकी दशा है, वही हालात वही दशा जीवन भर रहेंगे, कोई भरोसा नहीं, पुण्य का कोई भरोसा नहीं, कब पुण्य खत्म हो जाए कुछ नहीं कह सकते। और इसलिए शास्त्रकार भगवंत ने कहा कि लिमिटेड बहुत सीमित है, बहुत मर्यादित है, और इसलिए कहा कि समझ लेना, एक तो नया नया पुण्य उपार्जन करते रहो, और दूसरा विलंब मत करो, कब पुण्य परिपूर्ण हो जाए उसका कोई भरोसा नहीं। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है,
जो कहां थे और कहां पहुंच गए, कहां लाखों करोड़ों रुपए के मालिक थे, और क्या पता पुण्य का ऐसा परिवर्तन आया, पुण्य में ऐसा बदलाव आया, पुण्य में ऐसे चेंजेस आए, वो आदमी रोड के ऊपर आ जाए, कोई भरोसा नहीं पुण्य का। यह पुण्य है आज आपको हवा में उठा देता है तो कल जमीन पे बिठा दे, ये ताकत भी पुण्य के भीतर है। और इसीलिए मैं कहता हूं समझ लेना, LTD तीन चीजें बड़ी लिमिटेड है हमारे जीवन में, यदि हम उसको नहीं समझ पाए तो जीवन को नहीं समझ पाए। लक लिमिटेड है, कोई भरोसा नहीं कब पूरा हो जाए, संपत्ति का कोई भरोसा नहीं, पुण्य खत्म संपत्ति खत्म। जो पूरा शहर आप निकलते थे तो आपको सलाम करता था, वही शहर वाले आपके पीठ के पीछे थूकते हो, ये भी हो सकता है। जो पूरा शहर आपकी प्रशंसा करने से ऊंचा नहीं आता था, वही शहर के लोग आपके सामने आपको गाली बक दे, ये भी हो सकता है। ये सारा पुण्य का खेल है। दिमाग में कभी ये मत सोच करके बैठना मैं बुद्धिमान हूं, मैं समझदार हूं, मेरे पास बुद्धि है, ये दिमाग में भ्रम कभी मत रखना। जो चलता है पुण्य चलता है। तीन चीजें बड़ी मर्यादित है हमारे पास, और वो मर्यादित होने की वजह से हमारे शास्त्रकार भगवंत ने कहा कि समझ लेना, जिसका स्वभाव ये हो जाता है, इतनी भी जल्दी क्या है बाद में कर लेंगे, वो स्वभाव उनके जीवन को बर्बाद कर देता है। पहला वर्ड है L, L इज इक्वल टू लक, बड़ा लिमिटेड। दूसरा वर्ड है T इज इक्वल टू टाइम, पुण्य लिमिटेड है, समय लिमिटेड है। पुण्य का कोई भरोसा नहीं तो समय का भी कोई भरोसा नहीं। पुण्य जो आपके जीवन में मौजूद है, पुण्य जो आपके जीवन में आपको मिला है, वो बड़ा मर्यादित है, तो समय भी बड़ा मर्यादित है। और एक चीज समझ लेना, अच्छा समय बहुत कम होता है जीवन का। एवरेज जीवन को देखा जाए आज के समय में, एवरेज लोगों को देखा जाए, एवरेज मनुष्य को देखा जाए, तो पता चलता है अच्छा समय बहुत कम होता है। जीवन में 1-10 साल का समय आपके पास आता है। बड़े गुरुदेव प्रेमेश्वर जी महाराज साहब कहते थे 1 दशक जीवन में आपके पास आता है, और उसमें यदि आपने मौज मजा कर ली, उसमें यदि आपने अपने शरीर को संभाल लिया, अपने भोग विलास को संभाल लिया, अपने मौज शौक में लगे रहे, मेहनत न करी, पुरुषार्थ न करा, फ्यूचर का प्लानिंग न करा, तो वो 10 साल तो खत्म हो जाएंगे लेकिन पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और वही 10 साल में यदि पुरुषार्थ कर लिया, यदि मेहनत कर ली, यदि पूरा जोर लगा दिया, तो जिंदगी पूरी बेहतर अच्छी हो सकती है। जब कोई स्टूडेंट स्कूल में एंट्री लेता है, प्रवेश करता है, कॉलेज में एंट्री लेता है, MBBS बनने के लिए निकलता है, IAS बनने के लिए निकलता है, तब ये सोच लेता है कि आने वाले 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल 10 साल मेरा एक ही फोकस है, मेहनत करते रहो, क्योंकि ये जो समय मुझे मिला है ये चला गया तो जीवन भर किसी के घर पे बर्तन धोने पड़ेंगे, जीवन भर किसी का काम करना पड़ेगा, जीवन भर किसी की जी हजूरी करनी पड़ेगी, जीवन भर किसी के हाथ के नीचे रहना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं समझ, टाइम बड़ा लिमिटेड है, कोई भरोसा नहीं। और एक चीज ये दिमाग में बिठा करके रखना कि यदि आज आपके जीवन में सुख का समय है तो कल दुख का समय भी आ सकता है। ये जीवन है, यहां सुख है तो दुख भी आ सकता है, और दुख है तो सुख भी आ सकता है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं समय कब किसका बदल जाए कोई भरोसा नहीं। एक समय जब ऐसा होता है, अर्जुन को हराने वाला दुनिया में कोई नहीं था, और एक समय वही आ जाता है, वही अर्जुन, वही धनुष, वही बाण, हर चीज उसके पास थी, लेकिन एक रास्ते पे चलते हुए लुटेरे ने उसको हरा दिया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सामने बड़े बड़े दुनिया के धुरंधर आकर के झुक गए, इससे बड़ा बाणावली कोई हो नहीं सकता, लेकिन वही अर्जुन
समय जब खत्म हो जाए, जब कृष्ण हमारे साथ में ना हो, तो जीवन के हालात खराब हो सकते हैं। और इसलिए हमारे यहां लिखा गया कि समय बड़ा बलवान है, नहीं मनुज बलवान। दिमाग में ये भूसा भर के मत रखना, मैं बलवान हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं शक्ति संपन्न हूं, दिमाग में से हटा देना। समय बड़ा बलवान है, नहीं मनुज बलवान। काबे अर्जुन लूटियो, वही धनुष वही बाण, वही धनुष वही अर्जुन वही बाण, लेकिन वो एक सामान्य लुटेरे को न मार सका। और जब श्री कृष्ण साथ में थे, समय ऊपर चल रहा था, समय अच्छा चल रहा था, तब दुनिया के बड़े बड़े धुरंधर बाणावली आकर के झुक जाते थे कि अर्जुन से बड़ा बाणावली आज के समय में दुनिया में कोई नहीं। तीन चीजें बड़ी लिमिटेड है। L is equal to luck, T is equal to time, और एक चीज समझ लेना, दुनिया में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे साधु हो चाहे संसारी हो, चाहे सज्जन हो चाहे दुर्जन हो, चाहे महापुरुष हो चाहे गली का गुंडा हो, चाहे कोई भी हो, समय कोई तकलीफ नहीं करता, समय कोई पाबंदी नहीं करता, हर एक व्यक्ति को एक समान मिलता। 24 घंटे हर एक के लिए समान, किसी को कम नहीं, किसी को ज्यादा नहीं। आप ये कह सकते हो कि संपत्ति मेरे पास ज्यादा है, आप ये कह सकते हो कि स्वास्थ्य मेरे पास बेहतर है, पूरे शहर में सबसे बेहतर स्वास्थ्य मेरा है, पूरे शहर में सबसे ज्यादा संपत्ति मेरे पास है, पूरे शहर में सबसे संबंध मेरे ज्यादा है, लेकिन आप ये कभी नहीं कह सकते कि समय मेरे पास ज्यादा है। वो सभी को एक समान मिलता, कोई भेदभाव नहीं, समय किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वो सभी के साथ समान जाता है। हम उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, हम उसका सदुपयोग करते हैं, हम उसका दुरुपयोग करते हैं, हम उसको यूज कर लेते हैं, हम उसको बर्बाद कर देते हैं, ये हमारे हाथ में है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, समझ लेना, लक पुण्य बड़ा लिमिटेड है, टाइम समय बड़ा लिमिटेड है। और तीसरी बात करी, डी इज इक्वल टू डेथ, आयुष्य बड़ा लिमिटेड। पुण्य का भरोसा नहीं, समय का भरोसा नहीं, और जीवन का भरोसा नहीं। कहा डी इज इक्वल टू डेथ, डेथ यानी आयुष्य बड़ा लिमिटेड है, सांसें बड़ी लिमिटेड है, कोई भरोसा नहीं। हम कोई भरोसे पर नहीं रह सकते कि हमारी सांसें चलते ही रहेगी। अरे हमें तो कई बार देख करके ताज्जुब होता है, आदमी 100 साल का प्लानिंग कर लेता है, लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि कल का ठिकाना नहीं। हम प्लानिंग कर लेते हैं 20 साल बाद ये करेंगे, 30 साल बाद ये करेंगे, 40 साल बाद ये करेंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, परमात्मा महावीर ये कहते हैं कि आने वाले कल का भी कोई ठिकाना नहीं, आने वाले कल का भी कोई ठिकाना नहीं, आने वाले कल का भी कोई भरोसा नहीं। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना, डी इज इक्वल टू डेथ, आयुष्य का भी कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी आ सकता, कभी भी आदमी की मृत्यु आ सकती है, कभी भी मौत में मुंह में हम धकेले जा सकते हैं, कभी भी पता चले रात को सो गए सुबह उठे ही नहीं, ऐसे भी कई किस्से होते हैं। परमात्मा के दर्शन करने जिनालय में गए, सो गए, वापस बाहर आए ही नहीं, ऐसे भी कई किस्से होते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, समझ लेना, डेथ का कोई भरोसा नहीं, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। कब कौन से वेश में, कौन से समय पे, कौन सी जगह पे, कहां आ जाए, कोई हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है, कोई पता नहीं हमको, हमें कुछ मालूम नहीं है। और फिर भी आदमी ये मुस्ताद रहता है कि मैं बहुत जीवन जी लूंगा, लंबा जीवन जी लूंगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि तीन चीजें ऐसी आपके जीवन में है जिसका कोई भरोसा नहीं। एल इज इक्वल टू लक, कोई भरोसा नहीं। T is equal to time, कोई भरोसा नहीं। And D is equal to death, आयुष्य का कोई भरोसा नहीं, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। और इसलिए जब जब आपके सामने लिमिटेड शब्द आवे, LTD जहां जहां लिखा हुआ आवे, अपनी चेतना को सतेज कर देना, अपनी चेतना को जगा देना, अपने भीतर को जगा देना कि LTD लिमिटेड शब्द जहां जहां भी आता है, ये मुझे सावचेत करने के लिए आता है, मुझे जगाने के लिए आता है कि भाई समझ ले, लक टाइम डेथ ये तीन का कोई भरोसा नहीं। और जितना उसके भरोसे रहोगे उतने दुखी होगे। और
इसलिए मैं आज के लोगों को कहना चाहता हूं कि धर्म के क्षेत्र में अभी इतनी भी क्या जल्दी है, बाद में कर लेंगे, ये स्वभाव मत रखो। जो करना आज करना, जो करना अभी करना, क्योंकि पीछे का कोई भरोसा नहीं। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।